भगवान बाल्यकाल में नंद बाबा के घर उनका लालन पालन हुआ, इसलिए वो एक वैश्य के नियत कर्मों को भली भांति किए। कृषि गोरक्षा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने उदाहरण से ये वैश्य धर्म को स्थापित किया। और फिर बाद में भगवान जब मथुरा आए और उसके बाद फिर एक क्षत्रिय के रूप में भगवान ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। भगवान गृहस्थ के रूप में एक पति का क्या कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य भी उन्होंने, वो धर्म भी स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार से दिखाया। माता पिता के प्रति बच्चे का क्या कर्तव्य होता है, ये भी उन्होंने दर्शाया। इस तरह से हर अलग अलग जो रोल भगवान ने अदा किए, वो सब में आदर्श रूप में भगवान ने ये सब प्रस्तुत किया। तो क्यों किया? क्योंकि भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति हमें सिखाने के लिए भगवान ये सब स्थापित करते हैं। क्योंकि भगवान धर्म सेतु हैं, भगवान ही हम सभी के परम प्रमाण हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धर्म को स्थापित करने वाले भगवान हैं। धर्म की परिभाषा ही है कि धर्म जो है, भगवान जिस चीज़ को स्थापित करें, जिस चीज़ को बताएं, वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म जो है वो साक्षात भगवान का आदेश है। भगवान परम पिता हैं, इसलिए भगवान के अलावा और कौन है जो इस जगत में हम सभी के लिए क्या करणीय है क्या अकरणीय है इसको स्थापित करें। उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण और कौन हो सकता है, क्योंकि वही हमारे सबके पिता हैं, वही सृष्टिकर्ता हैं। इसलिए भगवान धर्म सेतु हैं। तो जो भगवान ये पूरी सृष्टि की रचना किए और उसके बाद फिर वेद शास्त्रों के माध्यम से हमें धर्म सिखाए। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, ये जो माया में हम मुग्ध जीव हैं, हमको स्वतः कृष्ण और कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस, कृष्ण का मार्गदर्शन जिसे हम धर्म कहते हैं, उसका ज्ञान हमें स्वतः नहीं हो सकता है, क्योंकि हम माया में मुग्ध हैं। आध्यात्मिक जगत से जैसे ही जीव इस भौतिक जगत में आता है तो माया के पाश में आ जाता है, और भौतिक जगत में हम आते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो अस्वाभाविक है, हमारी संवैधानिक स्थिति से विपरीत है भोग करने की इच्छा करना। क्योंकि जीव का स्वाभाविक गुण तो भगवान की सेवा करना है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अपने स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके हम इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान हमें इस भौतिक जगत में भेजे भोग करने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करने का आयोजन किए, ये पूरी सृष्टि का निर्माण इस प्रकार से किए, बहिरंग शक्ति के द्वारा हमें ये भौतिक शरीर देते हैं भगवान, भौतिक मन देते हैं, भौतिक बुद्धि देते हैं, जिसके द्वारा जीव जो अज्ञान के कारण भोग करना चाहता है, वो अभी और अधिक अज्ञान में गिर करके उसे ऐसा लगे कि वो भोग कर रहा है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, ऐसी उसके अंदर बुद्धि देते हैं, इच्छाएं देते हैं भोग करने की, जिससे उसकी भोग करने की इच्छाएं पूरी तरह से, वो जितना उसका मन हो उतनी मन भर के ये भौतिक जगत का भोग कर सके, ऐसा पूरा आयोजन भगवान करते हैं। लेकिन भगवान तो अंततः हमारे परम हितैषी हैं। भगवान भगवद्गीता में ही कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान हम सबके सुहृद हैं, परम हितैषी हैं। इसलिए भगवान केवल भोग के लिए, हमारे जो मिथ्या भोग की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आयोजन करके भगवान चुप नहीं बैठ गए। भगवान ने साथ साथ इस प्रकार से हमें शास्त्रों को दिया कि हम भोग करने की अपनी इच्छाओं को पूरा भी कर लें, लेकिन साथ साथ हमारी भोग करने की इच्छाएं धीरे धीरे शुद्ध भी हो जाएं। जैसे एक माता, अगर कोई बच्चा है उसको कोई बीमारी है और डॉक्टर उसको कोई दवाई देता है,
लेकिन अगर दवाई बहुत कड़वी है तो बच्चा उसको लेना नहीं चाहता है, बच्चा तो हमेशा मीठी मीठी चीज़ ही खाना चाहता है। तो अभी कैसे वो दवाई खाएगा? तो माता जो है वो मिठाई के अंदर उस दवाई को मिला करके उस बच्चे को देती है, जिससे कि उस बच्चे को पता भी नहीं लगता कि वो दवाई खा रहा है और वो दवाई खा लेता है, और इस तरह से धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होती है। तो उसी प्रकार से भगवान परम हितैषी हैं, परम बुद्धिमान हैं, इसलिए भगवान वेद शास्त्रों की रचना इस प्रकार से किए कि जिसमें जीव को मिथ्या भोग करने की इच्छाएं भी पूरी होने का मार्ग दिखाए और साथ साथ उसके अंदर छुपी हुई थी दवाई, जीव की भोग करने की इच्छा को ख़त्म करने का इलाज भी उन्हीं धर्म की शिक्षाओं में निहित है। इसलिए वैदिक शास्त्रों का एक भाग है कर्मकांड, जो मनुष्य चेतना के सबसे निम्नतम स्तर पे होते हैं उनके लिए ये भाग है, जिसके अंतर्गत भगवान ने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का पूरा मार्गदर्शन दिया, अलग अलग वैदिक अनुष्ठान दिए, जिसके माध्यम से हम अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकें। लेकिन ये वैदिक अनुष्ठानों के अंतर्गत भगवान ने छुपे छुपे भगवान की भक्ति सेवा भी डाल दी, जिसके द्वारा जीव अज्ञान में बिना जाने हुए वो धीरे धीरे शुद्ध भी होता है। तो इस प्रकार भगवान बड़ी युक्ति करते हैं हमें सुधारने के लिए। और फिर कर्मकांड के आगे ज्ञानकांड भाग है, जिन मनुष्यों की चेतना थोड़ी विकसित हो चुकी है, जो बहुत बार स्वर्ग जा करके और फिर नरक जा करके इस तरह से अलग अलग चक्करों में घूम घूम के, और वो जो भक्ति उन्होंने थोड़ी थोड़ी साथ में की है उससे शुद्ध होकर के, जिनको अभी ये समझ में आने लगा है कि ये भौतिक जगत में भोग करने भोग की वस्तु है ही नहीं, ये भौतिक जगत को तो भोग के लिए है ही नहीं, ये तो मेरी भूल है कि मैं इस भौतिक जगत में भोग करना चाह रहा हूँ, ये तो दुखालयम है, जो इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं उनके लिए फिर शास्त्रों में ही ज्ञान कंड भाग है, जिसमें ये उपनिषदों का भाग है, जिसमें भगवान ने उन लोगों को जिन्हें ज्ञानी कहा जाता है, जिनको ये ज्ञान तो आ गया है कि ये भौतिक जगत दुखालयम है, वो अभी इस भौतिक जगत से परे जाना चाहते हैं, भौतिक जगत में भोग करने की अपनी स्थिति को ख़त्म करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी उनको हम भगवान के सेवक हैं ये ज्ञान नहीं हुआ, ये श्रद्धा नहीं बैठी, इसलिए उनके लिए ज्ञान खंड भाग है। और अंततः जो चेतना की दृष्टि से सबसे उन्नत हैं, सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं, जो भगवान को भी शरणागत होने के लिए तैयार हैं, उनके लिए फिर उपासना खंड है, भक्ति भाग है, जिसमें भगवान पूरा निर्देश देते हैं कि कैसे अंततः जीव यदि भगवान की शरण में आए और भक्ति सेवा करे भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में, तो वापस अपने धाम भगवत धाम जा सकता है। इस तरह से उसका ये पूरी यात्रा अंततः समाप्त होती है और वापस हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग शिक्षाएं देते हैं। तो शिक्षाओं का जो सामान्य भाग है उसे सामान्य धर्म कहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और इन चार पुरुषार्थ के बाद है शुद्ध भक्ति। ये सब का विवरण भगवान ने भक्ति में दिया। तो भगवान यहाँ पर ये अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार से आता हूँ, यहाँ पर कार्य करता हूँ, हालांकि मुझे ये कार्य करने के लिए मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूँ दूसरों को दिखाने के लिए।